नंबर वाले जी खेल निराले नीले पीले से रंग जीवन के रंग डाले होती है पहना ओ भाई। सो गाइस मैं वापस आ चुका हूं आप सबके सामने एक और न्यू वीडियो लेकर, जिस वीडियो को अभी आप प्रीव्यू में देखे हो। आज मैं आपको रक्षाबंधन पे कुछ इस तरह के वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूं बीएन एप्लीकेशन से। बीएन एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वरना इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड इसमें ऑल मटेरियल जो मैं यूज करूंगा उन सभी का डाउनलोड फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का यूजर नेम यहां पर शो रहा है एंड इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहां से क्लिक करके आप सारे मटेरियल इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस बने रहना वीडियो में एंड तक। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भैया का भी नाम जान लीजिए। माय नेम इज विकास पंडित एंड आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल बिग की टेक्निक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, यहां पर आपको 100% वारंटी के साथ वीडियो में भी गारंटी देता हूं। तो बस अब मैं आप ले चलता हूं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करके आपको बीएन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको प्लस के आइकन पर टैप करना है एंड न्यू प्रोजेक्ट पर आपको टैप करना है। अब यहां से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आपको फोटो ले सिंबल पर टैप करना है एंड यहां से आपको अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना है। फोटो पर टैप करना है एंड यहां से आपको नीचे साइड में तीर का ऑप्शन है, इस पर आपको टैप करना है। ये आपका बीएन एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब यहां से वीडियो को ध्यान से देखते रहना, आपको लास्ट में आना है। यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का वाटर मार्क मिलता है, इस पर आपको टैप करना है एंड यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको ऊपर साइड में ओरिजिनल के ऑप्शन पर टैप करना है एंड यहाँ से आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है एंड दोबारा से अपनी फोटो पर टैप करना है एंड यहाँ से इस फोटो का ड्यूरेशन आपको अपने हिसाब से कर लेना है, जितना देर का आप अपना वीडियो बनाना चाहते हो। तो यहाँ से मैं 12 से 15 सेकंड कर ले रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। यहाँ से मैं 15 सेकंड कर चुका हूँ। अब आपको वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद आपको अपनी फोटो पर टैप करना है एंड नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है बीजी का, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपको इमेज पर टैप करना है एंड यहाँ से आपको राइट के निशान पर टैप करना है। अब आपको अपने फिंगर से इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है एंड करने के बाद आपको दोबारा से बीजी के ऑप्शन पर टैप करना है एंड यहाँ से आपको अपने हिसाब से ब्लर को एडजस्ट कर लेना है। जितना ज़्यादा आप ब्लर रखना चाहते हैं यहाँ से आप ब्लर एडजस्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से आपको राइट के निशान पर टैप कर देना है एंड अब आपको यहां पर एक बार स्क्रीन पर टैप करना है। स्क्रीन पर टैप करने के बाद अब आपको प्लस के आइकन पर टैप करना है एंड वीडियो फोटोज पर आपको टैप करना है। यहां से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब आप इसका डाउनलोड फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, आप लोग भी सिलेक्ट करिएगा एंड बीएन एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिट का, इस पर आपको टैप करना है, ये आपका फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब नीचे साइड में और स्क्रॉल करना है एंड यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखता है क्रोमा का, इस पर आपको टैप करना है एंड यहां से आपको ब्लू वाले पे इस प्लस वाले आइकन को ऐड कर देना है एंड इंटेंसिटी के यहां पर आपको 15 के हिसाब से बढ़ा लेना है, 50 या 51 के हिसाब से कर लेना है एंड स्पिल को आपको माइनस करना है एंड राइट निशान पर टैप करना है एंड यहां पर आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है एंड इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए यहां पर टैप करना है एंड यहां से आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर टैप करना है, यहां से आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। अभी कहीं मत जाइए, अभी इस वीडियो में बहुत काम बाकी है, बस वीडियो को आप लोग देखते रहिए। तो यहाँ से देख सकते हो हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो गई है। अब आपको डन के ऑप्शन पर टैप करना है एंड यहाँ से आपको दोबारा से प्लस के आइकन पर टैप करना है एंड यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। अब आपकी गैलरी यहाँ से दोबारा से ओपन हो जाएगी। अब आपको फोटो ले सिंबल पर टैप करना है एंड वही फोटो आपको दोबारा से सिलेक्ट करना है जो आपने पहली बार में सिलेक्ट किया था। तो यहाँ से मैं फोटो को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, आप लोग भी सिलेक्ट करिएगा एंड यहाँ से आपको तीर के निशान पर टैप करना है, ये आपका बीएन एप्लीकेशन में आ जाएगा। लास्ट में आकर इस वाटर मार्क पर टैप करना है एंड यहाँ से आपको डिलीट करना है। ऊपर साइड में ओरिजिनल के ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से आपको 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है एंड आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, दोबारा से अपनी फोटो पर टैप करना है एंड यहां से अपनी फोटो का ड्यूरेशन आपको पहले जितना कर लेना है, जितना आपने पहले किया था उतना अपने फोटो का ड्यूरेशन यहां से बढ़ा लेना है। अब आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है एंड वीडियो के फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद अब आपको प्लस के आइकन पर यहां पर टैप करना है एंड यहां से वीडियो फोटोज पर आपको टैप करना है, यहां से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। आपने जो फर्स्ट बार में अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट किया था ग्रीन स्क्रीन के साथ, उस वीडियो को यहां से सिलेक्ट करना है। तो यहां पे है, मैं यहां से सिलेक्ट कर लिया एंड हमारा बीएन एप्लीकेशन में आ जाएगा। यहां से थोड़ा समय लगता है प्रोसेसिंग होने में, तो यहां से मैं वेट कर ले रहा हूं, आप लोग भी इसी तरह यहां से प्रोसेसिंग कर लेना। तो यहाँ से देख सकते हो हमारा बीएन एप्लीकेशन में आ गया है। अब नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फिट का, इस पर आपको टैप करना है, ये आपका फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब आपको नीचे साइड में और स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है क्रोमा का, इस पर आपको टैप करना है एंड इस प्लस वाले आइकन को आपको ग्रीन पर एड करना है एंड यहाँ से आपको इंटेंसिटी को फुल करना है एंड स्पिल को आपको माइनस करना है। अब आपको राइट के निशान पर यहाँ पर टैप कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको अपनी फोटो पर टैप करना है एंड यहाँ से अपने दोनों फिंगर की मदद से अपनी फोटो को यहाँ से एडजस्ट करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ
हूँ उसी तरह करना, वरना यहाँ से आपका वीडियो खराब हो जाएगा। अब यहाँ से मैं एडजस्ट कर लिया हूँ, आप लोग भी इसी तरह एडजस्ट करिएगा। एंड यहाँ पर आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है। अब यहाँ पर आपको दोबारा से प्लस के आइकन पर टैप करना है एंड वीडियो फोटोज पर टैप करना है। अब आपकी गैलरी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर एक ओवरले इफेक्ट वीडियो को ऐड करना है, इसका डाउनलोड फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं ओवरले इफेक्ट वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ एंड आप लोग भी सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड आपका बीएन एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब आपको अपने फिंगर से कुछ इस तरीके से इसको पकड़ना है एंड यहाँ से अपने फिंगर से इसको फुल स्क्रीन में कर देना है एंड यहाँ पर आपको नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखता है ब्लेंडिंग का, इस पर आपको टैप करना है एंड टैप करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्क्रीन का, इस पर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको राइट के निशान पर टैप कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक बार स्क्रीन पर टैप करना है एंड दोबारा से प्लस के आइकन पर टैप करना है एंड वीडियो फोटोज पर आपको टैप करना है। अब आपकी गैलरी यहां पर ओपन हो जाएगी। अब आपको एक ब्लैक शैडो को ऐड करना है, इसका भी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड करिएगा। तो यहां से आपको फोटो रिसेंबल पर जाकर यहां से आपको ब्लैक शैडो को ऐड करना है, ये आपका बीएन एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब आपको इसको अपने फिंगर से कुछ इस तरीके से पकड़ना है एंड कुछ बड़ा करना है एंड यहाँ पर लाके कुछ नीचे साइड में इस तरीके से इसको ऐड कर देना है। अब आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है एंड यहाँ पर आपका ब्लैक शैडो भी ऐड हो गया है। अब आपको यहाँ पर एक लिरिक्स वीडियो को ऐड करना है, इसका भी डाउनलोड फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उसको ऐड करने के लिए आपको प्लस के आइकन पर टैप करना है एंड वीडियो फोटोज पर आपको टैप करना है। अब आपको यहाँ से इस लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं टैप करता हूँ, ये हमारा बीएन एप्लीकेशन में आ जाएगा। अब आपको अपने फिंगर की मदद से, दोनों फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से इसको पकड़ना है एंड थोड़ा सा बड़ा करना है एंड यहाँ पर लाकर इसको ऐड कर देना है एंड आपको नीचे साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर सेट करके राइट के निशान पर टैप कर देना है। यहाँ से आपका लिरिक्स वीडियो भी लग गया है। आपको अपने फिंगर से इसको कुछ इस तरीके से ऐड कर लेना है एंड स्क्रीन पर टैप करके आपका वीडियो यहाँ से कंप्लीट बनकर रेडी हो गया है। यहाँ से मैं अपनी वीडियो को प्ले करता हूँ एंड आपने जिस तरह का वीडियो प्रीव्यू में देखा था उसी का वीडियो आपका बनके रेडी हो गया है। यहाँ से आपकी वीडियो कंप्लीट बनके रेडी हो गई। अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर टैप करना है एंड यहाँ से आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर दोबारा से टैप करना है, देन यहाँ से आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आई होप कि अब आप यहाँ से इस तरह का वीडियो एडिट करना सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो अपने भाई के लिए एक लाइक किए बगैर मत जाना एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आपके माइंड में इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहाँ पर सो रहा है एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से क्लिक करके आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और एक नई वीडियो नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर एंड।